ये देख लो भाई, चारों तरफ टायर ही टायर है। मैंने जब आरएस के लिए टायर लेके जाता हूँ ना नया, तो वो भी एक साल ही चलता है मैक्स टू मैक्स मेरी आरएस में। और यहाँ से सेकंड टायर लेके जाता हूँ, वो भी भाई आराम से एक साल चलता है, एक डेढ़ साल चल जाता है। टायरों में कमी नहीं है भाई, गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, किसी भी चीज़ के टायर चाहिए सब मिल जाएंगे। और यहाँ से मैं लेना भाई सामान सबसे पहले अपनी बाइक के लिए, तो फिर फटाफट चलते हैं यहाँ और अपना सामान लेके आते हैं। टायर लेना भाई अपनी आरएस के लिए, वो कल गांव जा रही है और नेक्स्ट मंथ मेरे पास आ जाएगी वापस बाइक, तो भाई टायर लेना इसलिए फिर मैं यहीं आया हूँ। बडाल में सेकंड टायर मिलते हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं, ट्रैक टायर कहते हैं जिन्हें, जैसे जो ट्रैक में वन टाइम यूज़ होते हैं उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेल के लिए। रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं और टायर की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है इस कंपनी के टायर से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ रहती है उस वाले टायर की। मैंने खुद यूज़ करके पहले भी, बट ज़्यादा बड़ा टायर लेके कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा ही लेंगे। तो भाई बडाल की मार्केट है 45 में, ये स्लो ही चल लो भाई, यहाँ स्पीड में चल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रहा आगे जाऊँ या अंदर गलियों में निकालूँ, गलियों में काफ़ी टाइम लगेगा, आगे से निकल जाता हूँ आराम से, क्योंकि अगर गली में घुस गया भाई फिर मेरे को रास्ते का पता नहीं लगता। तो इसी मेन जो बाहर बाहर रोड है इसी से निकल के पीछे जाएंगे और वहाँ से अपना सामान लेके आ जाएंगे, फिर निकलेंगे घर। एक टायर लेना है और उसके बाद फिर इंजन ऑयल वगैरह लेना है आरएस के लिए, क्योंकि उसकी सर्विस भी आ गई, लास्ट सर्विस आपको पता ही मैंने करवाई थी। तो अब ये वाली सर्विस भाई आ रही, तो मैं सामान दे देता हूँ ताकि वो जाके उस पर अपना एकदम फिट एंड फाइन रहे, बाइक अपनी भी अच्छी चले, क्योंकि अगले महीने मेरे पास ही आई हो बाइक चलने के लिए। तो भाई मैं चाहता नहीं कि उसके बाद ख़त्म शरीर आए, एकदम मतलब रेडी रहे भाई, एकदम ओके रहे, तो इसलिए पूरी सर्विस वर्विस एंड पूरा ध्यान रखनी रखना बहुत ज़रूरी होता है भाई किसी भी बाइक का ना। ओ भाई साहब, एक तो यहाँ मार्केट में जब ध्यान दो ना तो उसका ब्लॉगिंग में ध्यान नहीं आता है, फिर सामने गालियाँ ही निकलती बंदों के लिए। तो बस आगे हम 45 के बैक साइड की मार्केट आना, मोटर मार्केट में। भाई किसी भी भाई को चाहिए ना, जैसे सामान चाहिए सेकंड हैंड में कुछ भी चाहिए, तो आप आ जाओ यहाँ पर, बस ढूंढने की वो करो भाई, जो भाई ढूंढ पाया ना तो बड़ा मस्त सामान मिल जाता सही से रेट पे यहाँ पर। सेकंड फ्लोर पे है इतना तो पता है मेरे को। अच्छा मिल गई और सामने सामने सामने, तो यहाँ पर भाई शॉप भी देख लो। और अरे यार मैं ना ऐसा लग रहा है सर रॉन्ग साइड आ गया, गलत जगह आ गया लग तो रहा है मेरे को, गलत अभी मार्केट क्योंकि आगे और अभी, हाँ काफ़ी ज़्यादा आगे यार इतना, मैं आज बहुत ज़्यादा लंबा घूम के आ गया, पूरा 360 मार के आना पड़ रहा मेरे को यहाँ पर। एक और बैक साइड रोड है उसमें जाना था, तो ये गाड़ियों का टायर के बाइक वाला बैक साइड है, ये तो मैं तो बाहर ही निकल आया भाई यहाँ से यार। हाँ इसके बाद ही थी रोड, यहाँ से जाके देख लो इस रोड पे आना था मेरे को, मैं घूम गया था इधर, लक्कड़ हो गया भाई, पता ही नहीं लग रहा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। यहाँ पर है रोड पे दुकान थी भाई की, यहीं पर है सेकंड फ्लोर, इधर ही है कहीं, इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही ये रही सामने, यहाँ जाना है मेरे को, कितनी दूर से घूम के आना पड़ रहा है, पता नहीं लग रहा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। भैया सेकंड टायर लेना था यार, चाहिए ना सर, यहीं पर मिलता है ना ऊपर सेकंड टायर सेकंड फ्लोर पे। ऊपर वाला यार भाई वो तो है ना, उसका बापू होएगा है ऊपर, अभी अभी नहीं है, 360 मार के आया इधर, मैं कहा पूरा घूम के आया मैं, ऐसे बाहर बाहर रोड नहीं है उसके थ्रू पूरा घूम के आया, तब जाके दुकान देखी मेरे को, तो मैंने पहचान ली थी ना इधर वो था, तीसरी मंजिल थी सेकंड फ्लोर था, तब जाके याद आया मेरे को गली का भी, जो यहाँ पर बैठते थे जो बैठते थे भाई, उसका भाई क्या हो गया। अच्छा तो यार हम तो उन्हें हमने वीडियो में भी ले रखा, उन्हें हम आते रहते ना उनके पास। अच्छा तो भैया जिन भाई के पास हम आए थे वो अभी है नहीं शॉप पे, तो अंकल जी मिले, अंकल जी लाए अपने गोडाउन में। हाँ जी हाँ जी, ये अंकल जी गोडाउन है, यहाँ पर गाड़ियों के टायर भी मिल जाते हैं, बाइकों के मिल जाते हैं, सही बार मैं आपको क्वालिटी चेक करा देता हूँ। तो भाई अंकल जी टायर कैसे होते हैं, मतलब इतने सस्ते कैसे मिल जाते हैं। अच्छा तो ये आपके पास इंडिया के रहते हैं बाहर के। अच्छा यहाँ टायर ही टायर है, लाइट हैंड में तो मैं आपको दिखा था, टायर ही टायर है चारों तरफ, टायर ही टायर देखिए। हाँ जी ये देख लो, ये आ गई लाइट ऑन, ये देख लो भाई चारों तरफ टायर ही टायर है, दिखा दो अंकल जी 150 नंबर, 140 185 से बढ़ानी चाहिए ना, बाइक ज़्यादा बड़ी नहीं है, गाड़ियों के बाइक के भाई सारे हैं। ये कितना नंबर है देखो। हाँ जी एक सौ साठ है, 160 नंबर है। हाँ ये भी आएगा,
आ तो जाएगा, पर वो रहता ना उसका रिम वैसे पहले कंपनी से 130 आया था। कौन सी है? आरएस है, पल्सर की। आरएस है, उसके कंपनी से 130 नंबर आया था। बात बताओ, वो कोई बात नहीं, मैं 150 में भी दिखा दूंगा आपको। हाँ जी, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं। अगर ये 170 है, हाँ जी, ये 160 है, उतना ही होता है। अच्छा, दिखा दे इसमें, जैसे ऐसा कुछ दिख जाए 150-160 में, बड़ी गिट्टी वाला जो हर जगह चले, हर टायरिंग में। ये कटिंग तो नहीं है ना अंकल जी? बेटे दो टायर तो लगे, इनकी कटिंग नहीं होती। अच्छा अच्छा, हाँ इनमें नहीं होता कुछ। कोई कटिंग वाला गया तो आपको 2000 रुपये दूंगा। अच्छा, टायर भरे रख लेना। ये भी बहुत भारी है, ये हल्के लग रहे हैं। ये 150 वो कंपनी का वो है बेटे। हाँ जी, इसमें थोड़ा कट ज्यादा है ना, पंचर होता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब हो जाएगा जल्दी। पंचर नहीं है, उसकी गारंटी दूंगा, पंचर नहीं है। और वो हाँ जी, ये वाला कितना था नंबर? 160-160 है बेटे। 160-160, ये वाला कितना था? ये 150 है। ये 150 है, और इसलिए ये बेटर रहेगा। ये जो मिचलन का होता है ना बेटे, इनके ऐसे ही दिखता है, चलता सबसे ज्यादा है। अच्छा हाँ, ये कितना नंबर है? इसकी सॉफ्ट होती है, 150 है। सही है, 150 है। हाँ, ये सॉफ्ट है, मिचलन की सॉफ्ट होती है। अच्छा हाँ, सबसे नॉर्मल मिलेगी आपने, हाँ सबसे ज्यादा चलता है। अच्छा, चलो ये बता दो, ये कर पाते हैं, ये ठीक है, और ले लो आप जो सा मन कर। ये हल्का भी है, उठाने में आसानी रहेगी, ले जाने में भी। ये बड़ा भारी है, कोई बात नहीं मतलब, कोई नहीं अंकल जी, आपकी भी मेहनत लगनी है, जवान लड़के नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। चलो जी, आप ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो भैया पर आप आओगे ना, तो अलग अलग टायर है, अलग अलग प्राइस है। तो भैया तो थे नहीं आज, तो भैया की जगह अंकल ने दे दिया, और अंकल ने कहा कि कोई नहीं आप ले जाओ, नेक्स्ट टाइम से अगर आप आ रहे हो ऐसा टायर चाहिए तो भैया आप एक बार कंफर्म कर लेना अंकल के पास आके। इनके शॉप का नंबर मैं बता देता हूँ अंकल, शॉप नंबर क्या आपका? चंडीगढ़ मोटर के नाम से, चंडीगढ़ मोटर के नाम से बडैल में। आप आ जाना और सामान ले लेना, टायरों में कमी नहीं है भाई, गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, किसी भी चीज़ के टायर चाहिए सब मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा वो लग रहा है इसमें ना, तो भाई टायर उठा लेते हैं कपड़ा बांध के ना, फिर वो कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो भाई जिन भाई के पास हम आते थे ना यार, उनके ना उन्होंने क्या बोलूँ मैं, सुसाइड कर ली, और उनके डैड आए थे अभी, उनका नंबर भी आ गया मेरे पास। और जिन अंकल से मैंने टायर लेके आया था ना, वो अलग है, और उनके पास भी रेट सेम है। इधर 1000 रुपये में आपको टायर मिल जाएगा अच्छे से अच्छा। जब मैं लेके गया भाई, एक अच्छा टायर था, साल दो साल भी निकाल लेते, बहुत सही है। क्योंकि मैंने जब आर एस में टायर लेके जाता ना नया, तो वो भी एक साल ही चलता है मैक्स टू मैक्स मेरी आर एस में। और यहाँ से सेकंड टायर लेके जाता, वो भी भाई आराम से एक साल चलता है, एक डेढ़ साल चल जाता है। तो मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं, पहले मैंने ओरिजिनल मिचलिन में पढ़ाया था, 6500 रुपये का टायर था भाई, क्यों झूठ बोलना। और वो टायर और ये टायर में दोनों में सेम है। मुकुल भाई कपड़े गंदे हो रहे मेरे, ऐसे दूर रख। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके लिए ब्रेक पर, सॉरी आरएस के लिए ब्रेक पैड लेने, इंजन ऑयल लेने, और एयर फिल्टर वगैरह जो भी हो ले देते। अब वो जाएंगे जावेद भाई की शॉप पे, यहाँ से टायर उठा लिया, ये उत्तराखंड ही जाएगा भाई सारा सामान। तो बस जल्दी आरएस भी आने वाली है, तो उसको भी दिखाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने वीडियो में जल्दी। और आरएस आएगी भाई, तो वो तो मेरे लकी चैंप है, पर थोड़ा सा मेरे को खाती है यार वो हर 6 महीने में मेरे से थोड़ा बहुत बलि लेती रहती है। 2 महीने में? हाँ हर 2 महीने में कहीं ना कहीं बचती फिरती है, और एक बड़ी बलि लेती है फरवरी में। उसके बाद हर साल, और खर्चे कितने मांगती है अभी तो देख है भाई, कहीं भी जाएंगे भाई आगे इंजन में टक 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 भाई 2000 का खर्चा, 2000 तो उसका नॉर्मल खर्चा रहता भाई हर एक जगह, 1000 का टायर आ जाएगा कुछ भी लगा लो। हाँ जब से बड़े पिछले साल हद कर दी थी उसने, जनवरी में मैंने उसका वो करवाया, इंजन के हेड के वॉल सेट कराए थे, फरवरी में मैंने उसका एक्सीडेंट झेला वो ठीक करवाया, मार्च मैंने दे दी, मैं कहा भाई ये तो 2 महीने में 12-13 हज़ार खा लिए। किस पहुँचने वाले हम अब, इक्के जाते जावेद भाई के शॉप पे और वहाँ से लेते हैं इंजन ऑयल। इस बार मैं पिछली बार 3-4 जब से मैंने बाइक ली ना अपने आर एस, तब से मैं उसमें मोटर का इंजन ऑयल डलवाता था, और एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, प्लस उसके यार ना मज़ा नहीं आ रहा उसमें पता नहीं क्यों। अब मेरे को लग रहा है कि फील में चलाई आ रहा है उसमें, वो स्मूथनेस नहीं है। और कैस्ट्रोल में जब से ये ले लिया तब से मैं इसमें कैस्ट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, कैस्ट्रोल में जो मज़ा है ना वो मज़ा नहीं आ रहा उसमें। तो अब तुम्हारा भाई जाएगा और इस बार कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल लेके आएगा, और कैस्ट्रोल 2 लीटर उसमें लेके जाऊंगा, ताकि टॉपअप करने 3000 के वैसे टॉपअप करना पड़ता है बजाज की, ये बाइक बड़ी मतलब बजाज की एक प्रॉब्लम है, 3000 के वैसे टॉपअप कराना पड़ता है, 5000 रुपये टॉपअप, 10000 रुपये के चेंज।
ऐसा होता है, बट मैं ऐसे 5000 चेंज करता हूँ, 3000 टॉप अप करा देता हूँ। भाई हमने फाइनली अपना सामान ले लिया आरएस के लिए, सॉरी आरएस के लिए। अभी हम चलते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं यार, घर चलते हैं, सुबह से निकल रखा मैं। और आज मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब है यार, वो तो थैंक गॉड की टाइम के साथ मेरे को सामान मिल गया सारा, और टोटल खर्चा मेरे को 2600 रुपये का, 2700 का आ गया। थोड़ा इस बार लेस नहीं किया भाई ने, चलो ठीक है यार, उनके भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पीछे से माल महंगा आ रहा था, प्रिंट आउट चेंज हो गया इसकी वजह से। पर और तो रेट काफ़ी ज़्यादा जनवर लगाया भाई ने, 2000 का सामान मेरे को 1700 समथिंग का पड़ा। ठीक है, अच्छा है, 2700 रुपये खर्चा बैठ गया टोटल आरएस के लिए। भाई नजायज़ ही आरएस की सर्विस पे, सर्विसें चल रही है, ठीक है, चल कम रही हो, ज़्यादा सर्विसें खा रही है। तो आप सोच रहे हो कि आरएस को सेल करते हो सबसे पहले।